8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिए हुए करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नोटबंदी के बाद इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी RBI आम जनता की ओर से लौटाए गए पुराने नोटों की गिनती पूरी नहीं कर पाया है। सूचना के अधिकार के तहत इस बात का खुलासा हुआ है। RTI में RBI से रद्द हुए नोटों की सटीक संख्या के बारे में पूछा गया था, जिसके जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि वो तेजी से पुराने लौटाए गए नोटों की गिनती पर काम कर रहा है। RBI ने बताया कि इस प्रक्रिया को काफी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता है। 30 जून 2017 को सरकार ने बताया था कि रद्द हुए नोटों की अनुमानित वैल्यू 15.28 लाख करोड़ थी। RBI ने बताया कि नोटों को गिनने और उन्हें जांचने के लिए इस वक्त 59 CVPS यानी सोफिस्टिकेटेड करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग मशीनें काम कर रही हैं। हालांकि RBI ने इन मशीनों के लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 30 अगस्त 2017 को जारी हुई एक रिपोर्ट में RBI ने बताया था कि रद्द हुए नोटों की कुल 99% रकम बैंकों में वापस आ गई है। अंकिता ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN।